जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जुनैद सत्ती और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ एंड एडवेंचर बाय जुनैद सत्ती। सोचा कि वीडियो बनाई जाए और आपसे कुछ चीज़ें वगैरह शेयर की जाएं। मैं बेसिकली आपको अपने बारे में बताऊं तो मैं आई बिलोंग टू पाकिस्तान और करंटली मैं इधर ओमान में जॉब कर रहा हूँ। और जो है ये जब सारा सेटअप मेरा देखते हैं यहाँ पे बर्ड्स वगैरह एनिमल्स वगैरह, ये बेसिकली इधर ओमान में ही एक आइलैंड है मुसन्नम के नाम से। और जो है ये जो सेटअप सारा बना हुआ है, मैंने आपको पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया था इसकी डिटेल्स के ये 2012 में आई केम हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। उस टाइम ये जो बेसिकली जो फार्म है मेरे स्पॉन्सर हैं यहाँ पे लोकल यहाँ के ओमानी हैं, उनका ये फार्म है और ही इज़ ए वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। और कभी मौका मिला तो मैं उनके साथ भी कोई वीडियो बना के पोस्ट करूँगा। तो ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। और इन 2012 व्हेन आई केम हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, तो जो है बेसिकली ये जो आइलैंड है ये बड़ा ही मतलब यहाँ पे ऐसा कोई एक्टिविटीज़ ये है तो बेसिकली टूरिज़म के लिए। यहाँ पे मतलब बहुत फॉरेनर्स आते हैं, यहाँ की जो मेन एक्टिविटीज़ हैं टूरिज्म से रिलेटेड उसमें डॉल्फिन वॉचिंग, स्कूबा डाइविंग, माउंटेन सफारी, ये सब चीज़ें बीच में यहाँ पे मतलब के आप लोग इंजॉय कर सकते हैं। तो पूरी दुनिया से यहाँ पे लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं और जो है यहाँ पे जो होटल्स वगैरह हैं वहाँ पे ये एक्टिविटीज़ होटल्स वाले जो हैं वो ख़ुद ही आपको ऑर्गेनाइज़ करवा के देते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टूरिज़्म कंपनीज वगैरह हैं। मैं भी 2014 से लेके 2017 तक आई वाज आल्सो वर्किंग हियर एज फ्रंट ऑफिस मैनेजर। 2017 में मैं फिर पाकिस्तान शिफ्ट हो गया था। सर कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं आपको बता रहा था इस फार्म के बारे में। तो 2012 में व्हेन आई केम हियर फॉर द फर्स्ट टाइम मेरे लिए बड़ा मुश्किल था यहाँ पे, क्योंकि मेरी तो जॉब जो है वो कंपनी में है और ऑफिशियल जॉब है और ऑफिस वर्क है सारा। और उसके अलावा ये कि मेरा यहाँ पे कोई ऐसा दोस्त वगैरह या कोई ऐसा फ्रेंड सर्कल नहीं था, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था यहाँ पे टाइम पास करना। और तो खैर आई स्पोक टू माई स्पॉन्सर, आई टोल्ड हिम दैट मतलब मेरे लिए यहाँ पे बड़ा मुश्किल हो रहा है रहना। और तो उसने फिर मैंने पूछा कि क्या मतलब किस चीज़ में इंटरेस्ट है, क्या करना चाहते हो। तो मेरी जो एकोमोडेशन है वो इसी फार्म में ही है, मतलब इसके बिल्कुल साथ ही है। तो हम लोग अक्सर यहाँ पे पहले आया करते थे, तो यहाँ पे ये डेट्स जो खजूरें जो हैं ये उनका फार्म था सारा यहाँ पे, सारे उसी के दरख्त वगैरह। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा कि जो है ना मुझे एनिमल्स वगैरह का, बर्ड्स वगैरह का शौक़ है। और तो फिर खैर ऐसा ऐसा हम लोगों ने फिर कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐड करना शुरू की, बर्ड्स वगैरह लेके आए। यहाँ से जो यूएई है, यूएई का बॉर्डर है 26 किलोमीटर पे, तकरीबन 40 मिनट्स की ड्राइव है। उसके बाद बॉर्डर से ये कि जो है ना आपको वहाँ पे वीज़ा वगैरह लेना पड़ता है, वो समटाइम्स ऑन अराइवल मिल जाता है आपको। कभी कभी ये होता है कि उसके डिफरेंट प्रोसीजर हैं। खैर यहाँ पे जितने भी बर्ड्स एनिमल्स वगैरह हम लोगों ने रखे हैं उन सारे उधर यूएई से लेके आया करते थे, क्योंकि एक आइलैंड है यहाँ पे ये चीज़ें इतनी अवेलेबल नहीं हैं। तो फिर ऐसा ऐसा करते करते ये सारा, पहले तो यहाँ पे कोई केजेस वगैरह नहीं थे, तो ये केजेस बाद में जो है ये मैंने खुद ही अपनी सुपरविजन में ये सारे बनवाए थे 2012-13 में। उस टाइम हम लोग बस काफ़ी चीज़ें थी, मतलब 2014 में तो इस फार्म का ये सीन था कि साइलेंट पे जितने भी स्कूल्स हैं वो उनके जो ट्रिप्स वगैरह हैं वो सारे इधर इस फार्म पे आया करते थे, क्योंकि उस टाइम हम लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी। उसमें ऑस्ट्रिचेस थे, डियर्स थे, डॉग्स रखे हुए थे काफ़ी, कैट्स थी, बर्ड्स डिफरेंट थे जिसमें ग्रे पैरट्स से और डिफरेंट फैंसी पिजन्स से, फैंसी पोल्ट्री से रिलेटेड काफ़ी हम लोगों के पास चीज़ें थी। तो बहुत बड़ा एक सेटअप था और मतलब इस पूरे आइलैंड में मतलब सबको पता था कि यहाँ पे लोग जस्ट यू नो आउटिंग के लिए, पिकनिक के लिए आया करते थे। तो
तो मेरे लिए भी एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी बन गई। मैं क्योंकि हम ऑफिस के बाद ये था कि ऑफिस टाइमिंग मेरी 8 to 2 o'clock थी, उसके बाद ये कि मेरा फिर सारा टाइम इधर ही पास होता था। तो जो है मैंने फिर मुझे मतलब डॉग्स का तो वैसे ही शुरू से मतलब मुझे था शौक, और पिजन्स वगैरह और बाकी चीज़ों का तो काफ़ी ब्रीडिंग वगैरह भी करवाई। लेकिन ये जितनी भी चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे हैं या पहले जो हम लोगों ने रखी, इनमें से कोई भी मतलब एक होता है ना बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें से आज तक कोई चीज़ हम लोगों ने सेल नहीं की। ये बस ये कि इधर ही हो मतलब कि खुद ही अपने पास रखी, बस खिलाया पिलाया, शाम को आके यहाँ पे बैठ के थोड़ा टाइम पास कर लिया, डैट्स ऑल, बस इतना ही है। तो जो है फिर मैं 2017 में चला गया था वापस पाकिस्तान। वहाँ पे फिर मैंने पाकिस्तान में 5 साल तकरीबन मैंने वहाँ पे पाकिस्तान में गुजारे। तो जब मैं पाकिस्तान में, असल में इस फार्म पे हम लोगों ने वर्कर रखे हुए हैं और वही इनको लुक आफ्टर करते हैं, इनकी सफाई वगैरह और खाना पीना सारा, क्योंकि कि शाम को मैं अक्सर आके कभी के बाद खुद कर देता हूँ। तो 2017 में मैं चला गया था पाकिस्तान। तो जो है जब मैं वापस आया हूँ, मैं 5 साल वहाँ पे रुका हूँ, उसके बाद फिर मैं वापस आया। मैं काफ़ी दफ़ा मेरे स्पॉन्सर ने भी मुझे कहा कि यार आ जाओ, वापस आ जाओ। मुझे असल में पाकिस्तान में भी लोगों को पता है कि मैंने वहाँ पे जो डॉग्स वगैरह और बाकी बर्ड्स वगैरह का सेटअप रखा हुआ था, वो तो खैर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से था। तो जो है फिर अभी 2022 में मैं फिर वापस आया हूँ इधर। और मुझे थोड़ा अफसोस भी हुआ, अफसोस इस चीज़ का हुआ कि बड़ी मेहनत करके ये सब चीज़ें बनाई थी उस टाइम, और जब मैं यहाँ से चला गया तो पीछे जो है काफ़ी कुछ स्पॉयल हो गया। स्पॉयल से मुराद ये कि अब ये जो यहाँ पे वर्कर्स हैं वह उनको सिर्फ ये पता है कि टाइम पे दाना डालना है या खाना वगैरह जो भी है फीड करना है या सफाइयाँ वगैरह करनी है, बाकी अगर कोई एनिमल या कोई बर्ड बीमार हो जाए तो उनको नहीं आइडिया कि इनको कैसे, इनकी ट्रीटमेंट वगैरह कैसे करनी है। तो वो उसमें काफ़ी चीज़ें फिर ये कि ज़ाया होगी, एक्सपायर होगी। और मैं जब आया हूँ तो काफ़ी केजेस यहाँ पे खाली थे, और मुझे अभी यहाँ पे वापस आए हुए तकरीबन 6 months हो गए, और अभी दोबारा से मैंने खुद ये अपने हैंड ओवर किया है, और आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से हम इस जगह को सारा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ जो है अपडेट करूँगा हमारी जो न्यू एडिशंस वगैरह होंगी, और ये मतलब जो ऑलरेडी हम लोगों ने रखे हुए हैं इनके बारे में मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। तो जो है देखें, मेरा शुरू से एनिमल्स को लेके, पेट्स को लेके ज़िंदगी में एक ही शौक रहा हमेशा। और मतलब जिस जगह पे मैं रह रहा हूँ साइलेंट में, हालांकि बड़े अच्छे, मैंने जैसे आपको बताया कि पूरी दुनिया से लोग इधर आते हैं, टूरिस्ट जो हैं वो आते हैं यहाँ की एक्टिविटीज़ इंजॉय करने के लिए, लेकिन मैंने यहाँ पे पहले 5, 6, 7 साल गुजारे, तो मेरे लिए ये इतनी कोई मतलब अब ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ें नहीं रही, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये चीज़ें बहुत देख ली हुई हैं। उसके अलावा यहाँ पे मेरा स्टिल अभी भी, मैं अगर कहूँ ना, मेरा कोई ऐसा दूसरा दोस्त नहीं है जिसके साथ मैं जाऊँ, जाके बैठूँ, टाइम शाइम गुजारूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं, मेरा यही होता है कि जब भी मुझे कोई फ्री टाइम मिले या मेरे पास टाइम हो तो मैं आता हूँ, और इन्हीं के साथ ही दिस इज़ द मोस्ट रिलैक्सिंग टाइम फॉर मी। मतलब सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने अपनी लाइफ में इन चीज़ों से सीखी है वो ये कि ये एक ऐसी एक्टिविटी है कि स्पेशली मैं रिकमेंड भी करता हूँ बहुत से ऐसे लोगों को जो जिनको डिप्रेशन का मसला हो। अगर आपने कोई बर्ड्स, एनिमल्स वगैरह पास रखे हुए हैं, घर पे रखे हुए हैं, तो इनके साथ जब आप टाइम गुजारते हो तो मतलब जो जिन लोगों को डिप्रेशन का इशू होता है उसके, उनके लिए बहुत हेल्दी एक्टिविटी है। मतलब हाँ ये टाइम मांगते हैं, केयर मांगते हैं, लेकिन ये कि ये मतलब इस इन इन चीज़ों के बहुत से बेनिफिट्स भी हैं इन चीज़ों, क्योंकि मैं अगर अभी भी आपको बताऊं कि अगर ये चीज़ें यहाँ पे ना हो तो मेरे लिए सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है यहाँ पे। क्योंकि आप देखें 8 से लेके सुबह 8 o'clock to 2 o'clock मेरी जॉब है, उसके बाद पूरा दिन आई डोंट हैव यानी एनीथिंग टू डू, और आई डोंट हैव माई फैमिली हेयर, तो बहुत मुश्किल हो जाते हैं रहना। तो आई एम थैंकफुल टू अल्लाह कि अल्लाह ने जो है ना मुझे यहाँ पे भी एक रौनक लगा के दी हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ मेरा बड़ा अच्छा टाइम गुजरता है। आई रियली लव ऑल दीज थिंग्स, और जो है मेरी कोशिश यही होती है कि मैं इनकी जितनी खिदमत कर सकूँ
और जितना इनको टाइम दे सकूँ एक सवाब की नीयत से भी। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये जो सेटअप यहाँ पे बना हुआ है, जो वीडियोस हैं, ये आपको पसंद आएंगी। इन फ्यूचर इंशाल्लाह मैं आपको ऑन रेगुलर बेसिस आपको जो है मैं अपडेट करता रहूँगा, न्यू वीडियोस वगैरह मैं पोस्ट करता रहूँगा। आई होप आप इंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच।